नवी मुंबई खार घर के माने जाने व प्रसिद्ध उद्योगपति श्री गिरिजा शंकर सिंह के आवास पर 3 दिवसीय गणपति प्रतिष्ठित पूजा पाठ के बाद रविवार सायंकाल धूमधाम से नाच गाने के साथ गणपति बप्पा का विसर्जन बेलापुर तालाब में किया गया। विसर्जन के बाद प्रसाद सहित अपने आवास पर उद्योगपति कृपा शंकर सिंह ने लोगों के लिए खाने का भी बढ़िया इंतजाम किया था। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोगों ने पालन किया। गिरिजा शंकर सिंह के आवास पर बप्पा के विसर्जन में सम्मिलित तो उर्मिला सिंह, संदीप सिंह, रूपा सिंह, मनोज सिंह, अनिल सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। संवाददाता परमेश्वर सिंह की रिपोर्ट। मैं हूं परमेश्वर सिंह और आप देख रहे हैं नवंबर टाइम्स न्यूज़। नवंबर घर सेक्टर 8 में एक श्री की धूमधाम से मनाया गया। आइए हमारे साथ हैं श्री गिरिजा शंकर सिंह जी, उनसे बात करेंगे किस तरह से गणपति साजरा हुआ और कितने सालों से लगातार इस तरह का साजरा कर रहे हैं और क्या कुछ खास रहा है, कितने साल से मनाया जा रहा है। 2017 से अभी 5 साल हो गया मनाते हुए। बहुत धूमधाम से गणपति मनाया जाता है, सब लोग आते हैं, खूब खुशी खुशी उनका त्यौहार। हम लोग 3 दिन का गणपति रखते हैं, 3 दिन खूब हर्षोल्लास से बाबा की सेवा करते हैं और उनकी विदाई करते हैं। क्या रहा ये कोरोना काल के दौर में तमाम प्रकार के गाइडलाइंस गवर्नमेंट के हैं, तो इसमें आपने पालन करते हुए गणपति विसर्जन किया है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, हम लोग 5 लोग गए थे बेलापुर में, गाड़ी से लेके गए और बाकायदा मास्क लगा के गणपति जी का विसर्जन किया तालाब में, फिर वहाँ से आ गए घर पे, बाकी सब मेहमान लोग खाना खाए। और आज का क्या कुछ खास रहा है? हमेशा महाराष्ट्र में माना जाए, देखा जाए तो तमाम प्रकार के, चाहे यहाँ के लोकल लोग हैं चाहे उत्तर भारतीय पर क्रांति गणेश उत्सव को लेकर काफी उत्सुक रहते हैं। आज गणपति उत्सव के और 3 दिन के विसर्जन को लेकर आप क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगी, आज 5 साल से हम गणपति अपने घर में स्थापना कर रहे हैं गणपति बप्पा का, और हमारे घर में बहुत खुशी और सब कुछ बना है उनका, बहुत बोलेगा तो हार्दिक अभिनंदन है। और बहुत बड़ी आस्था है कि हमारे घर में उनकी वजह से सुख समृद्धि बनी है और हम ऐसे चाहते हैं कि बनी रहे और उनका हमेशा ऐसा, हम उनको मतलब गणपति बप्पा को बिठाते रहेंगे अपने घर में और उनका पूजा और उनको अपने आस्था से सब कुछ करते रहेंगे। और बाकी आज उनका अच्छे अच्छे से विसर्जन हुआ, हम लोग बड़े धूमधाम से विसर्जन किए और ये कोरोना को देखते हुए बोलेंगे तो सब पूरा देश के लिए हम लोग ये किए कि हर जगह पूरा हमारा देश आनंद रहे और सुख समृद्धि बनी रहे उनकी और सब लोग अच्छे से रहें, इसीलिए गणपति बप्पा को हम घर पे लाते हैं। और हमारे घर में बहुत तरक्की हुई है गणपति बप्पा से, सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा है। ऐसे ही चाहती हूँ कि हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, उनकी कृपा बनी रहे मेरे घर पे। हमेशा की तरह जो है कि भक्तगण भी हमेशा श्रद्धा भाव से पूजन पाठ भी करते हैं। आइए गिरिजा शंकर सिंह जी के घर पे जो आज का विसर्जन रहा है, लोगों का खान पान भी संपन्न हुआ है, लोग आस्था से जो है की पूजा और आरती भी किए हैं, तो हमारे साथ एक महानगर भी है, उनसे बात करते हैं कि क्या इनका अपेक्षा और क्या कहना चाहते हैं और क्या युवाओं को संदेश देना चाहते हैं। 5 साल से गणपति का पूजा यहाँ पर हो रहा है, ठाकुर साहब बहुत मतलब धूमधाम से गणपति का पूजा करते हैं और पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से थोड़ा धूमधाम में कमी हो गई है, हमारे भक्तगण कमाते हैं और हम तो लगा रहता हूँ और बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ। और ये गणपति जो है
स्थापना से लेकर के विसर्जन तक महाराष्ट्र के कोविड का रूल को फॉलो करते हुए हमने सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए हमने गणपति का स्थापना और विसर्जन किया। आप बताइए, कहीं कहीं सनातन धर्म जो हिंदू की बात कहा जाए तो ये संस्कृति अपनी लुप्त होती जा रही है, वो अपनी संस्कृति अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे क्योंकि बिजनेस में एकदम व्यस्त रहते हैं, तो क्या कहना चाहिए? मेरा यही कहना है कि बच्चों को नहीं, सभी को, घर के सभी सदस्यों को सुबह भाव भजन भी होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए और भगवान के नाम से ही सुबह उठना चाहिए और ये जो हमारा भक्ति भाव है इसको बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है, ये लुप्त नहीं होना चाहिए। हमारे संस्कार जो है, संस्कृति जो है, ये बरकरार रहना चाहिए। ये हमारे हम लोग का काम है कि हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ये सब सिखाना, कैसे प्रणाम किया जाता है, कैसे नमस्कार किया जाता है, कैसे भगवान को स्तुति की जाती है, भगवान की स्तुति को सबको मालूम होना चाहिए। तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।